तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में है। इकोनॉमी के अंदर क्या बना हुआ है, पहले से ही इक्विलिब्रियम बना हुआ है। अब क्वेश्चन ने अगर इक्विलिब्रियम बोला है तो उसके बेस पर देखते हैं क्या क्या है। आगे देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे एमपीएस की वैल्यू पूछी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब कि क्वेश्चन ने हमसे एमपीएस की वैल्यू पूछ रखी है। अब आगे देखते हैं, इनकम बता रखी है 10,000, ऑटोनोमस कंजप्शन। तुम्हें मालूम है ना ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब क्या होता है, सी बार। ऑटोनोमस कंजप्शन को हम किससे दिखाते हैं, सी बार से दिखाते हैं, ये होता है ऑटोनोमस कंजप्शन। क्वेश्चन ने हमें इनकम दे रखी है, इनकम का मतलब क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, वाई। और वाई कितना दे रखा है, 1,000, सॉरी 10,000। वाई की वैल्यू मतलब इनकम कितनी दे रखी है, पूरे के पूरे 10,000। और लास्ट में हमें क्या बता रखा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो कंजप्शन में और ऑटोनोमस कंजप्शन में क्या फर्क होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब सी बार और कंजप्शन मतलब सी। इस बात का ध्यान रखना, ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा क्या काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैटर्न का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, 3 नंबर में या 4 नंबर में या 2 नंबर में। तो तुम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। देखते हैं जरा, तो क्वेश्चन ने हमसे एमपीएस पूछा है और ये तीन चीजें दे रखी है। जब ये तीन चीजें दे रखी है तो इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। देखो क्वेश्चन ने हमें सी के बारे में काफी सारी नॉलेज दे रखी है, तो क्यों ना सी फंक्शन की जरूरत का इस्तेमाल करें। तो लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सी फंक्शन होता है सी बार। याद है ना मैंने तुम्हें कंजप्शन फंक्शन बता रखा है, सी बार प्लस एमपीसी वाई, यही तो बताया है मैंने तुम्हें कंजप्शन फंक्शन। तुम्हें याद होगा एमपीसी की जगह कभी कभी मैं बी लिखवा देता हूं, बी बी फॉर बॉल, और कभी कभी एमपीसी लिख सकते हैं। मुद्दे की बात ये नहीं कि तुम बी लिख रहे हो या एमपीसी लिख रहे हो, मुद्दे की बात ये कि तुम्हें उसका मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या है। क्वेश्चन ने हमें ये क्या दे रखा, तुम्हें उसका मतलब मालूम होना चाहिए भाई। सी बार प्लस एमपीसी वाई, ये होता है अपना कंजप्शन फंक्शन। अब जो जो क्वेश्चन ने दे रखा है वो डाल दो बोर्ड पे। देखो बताओ सी, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,000। इस सी की जगह तो आ गया 8,000। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना दे रखा है, 500, तो ऑटोनोमस कंजप्शन आ गया 500 प्लस एमपीसी का पता नहीं, एमपीसी हमें नहीं है मालूम, और ना ही क्वेश्चन ने हमें इसके बारे में कुछ भी दिया है, तो इसको हमने डाल सकते हैं। हाँ वाई, वाई का मतलब होता है इनकम, और इनकम कितनी दे रखी है, 10,000। तो ब्रैकेट में हमने कितने लिख लिए, 10,000। अब इन सब की जरूरत नहीं है हमें। इतने सारे डाटा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो वाई की जगह क्या डाल दिया, 10,000। अब सॉल्व करते हैं, मुझे बताओ ये प्लस का 500 है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई, 8,000 में से 500 जाएंगे एमपीसी 10,000। बताओ 8,000 में से 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7,500, 7,500। कितनी वैल्यू रह जाएगी, 7,500 इक्वल टू एमपीसी 10,000। अब मुझे बताओ ये 10,000 इधर क्या हुए हुए, मल्टीप्लाई एमपीसी के साथ में, ये जो 10,000 है ये 10,000 इधर क्या हुआ हुआ है, मल्टीप्लाई। और जब भी कोई मल्टीप्लाई वाली टर्म उधर भेजते हैं तो उधर जाके क्या हो जाती है, वो डिवाइड। ये मल्टीप्लाई में 10,000 है, ये 10,000 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 10,000 75 100 के अपॉन में आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, इधर बचेगा एमपीसी, और 75 अपॉन में 100, 75 अपॉन में 100।
तुम्हें मालूम है नीचे जितनी जीरो होती है उतनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया जाता है। बोर्ड पे देखो नीचे कितनी जीरो है, दो जीरो, तो मैं ऊपर से कितनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा, दो डिजिट। तो मैंने 5 को छोड़ दिया और 7 को छोड़ दिया, तो वैल्यू क्या रह गई, 0.75 एमपीसी की वैल्यू। ये आ गया अपना एमपीसी। हाँ लेकिन क्वेश्चन ने हमसे एमपीसी नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था एमपीएस। कोई बात नहीं, वो भी निकाल देंगे। तुम्हें याद होगा एमपीसी और एमपीएस दोनों को मिलाकर फॉर्मूला क्या बनता है, 1। ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है ना, एमपीसी और एमपीएस प्लस करके दोनों की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के। ये फॉर्मूला होता है। अब एमपीसी की वैल्यू इधर डाल दो, 0.75। और बताओ 0.75 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। भाई 0.75 उधर जाके क्या होना है, माइनस ही होना है। जब भी कोई टर्म इधर प्लस होती है तो उधर जाके माइनस, और जब भी कुछ प्लस होती है तो उधर जाके माइनस, और माइनस होती है तो प्लस। तो 1 में से 0.75 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.25। ये निकल आई हमारी एमपीएस की वैल्यू। तो क्वेश्चन ने हमसे एमपीसी नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे एमपीएस पूछा था, और हमने दोनों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके रख दिया।